उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के मोहल्ला लालबाग में वाक़े हौज वाली मस्जिद में गुज़िश्ता 28 साल से पूरी कामयाबी के साथ दीन की खिदमत में मसरूफ मदरसा रोज़तुल कुरान में 19 शाबानुल मुअज़्ज़म मुताबिक 1 मार्च 2024 को बरोज़े जुमा बाद नमाज मगरिब अज़ीमुश्शान सालाना इनामी जलसा मुनक़िद किया गया जिसमें दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद हदीस व फ़िक़्ह और मदरसा रोज़तुल कुरान के नाज़िम आला नायब अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत फरमाई और अपने खुसूसी खिताब में कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ने पर जोर देते हुए फरमाया आपका यह मदरसा रोज़तुल कुरान इस शहर में कुरान करीम की मुमताज तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है और हर साल मुतअद्दिद हुफ्फाज और बहुत से नाजरा पढ़ने वाले बच्चे तकमील कुरान की सआदत हासिल करते हैं। ये बहुत शुक्र का मकाम है। इस मदरसे से हिफ्ज करने वाले बहुत से हुफ्फाज आस पास के मोहल्लों से ताल्लुक रखते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह तरावीह में कुरान करीम सुनाते हैं और अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं। यह बहुत बड़ी नेमत है और बड़ी सआदत की बात है। कुरान करीम को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं बल्कि कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना जरूरी है। और तजवीद में तीन बातें पेश नजर रखी जाती हैं। पहली बात जो फर्ज के दर्जे में है यह है कि हर हर्फ को उसके मखरज से अदा किया जाए। मसलन अल्हम्दु है तो हा को हा पढ़ा जाए, हा न पढ़ा जाए, अल्हम्दु न पढ़े, अल्हम्दु पढ़े, क्योंकि हा का मखरज अलग है, हा का अलग। इसलिए कि मखरज बदलने से माना बदल जाते हैं। इस जलसे की सरपरस्ती इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद ने सदारत जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद के सदर हाफिज़ मोहम्मद आलम कुरैशी ने और निज़ामत मदरसा रोज़तुल कुरान के इंचार्ज व सदरुल मुदर्रसीन रईसुल कुर्रा हज़रत क़ारी नफीसुर रहमान मुरादाबादी ने फरमाई। उन्होंने इस मौके पर बताया कि इमसाल मदरसा हाजा से 6 तलबा ने हिफ्ज और 17 ने नाज़रा मुकम्मल किया है। फारिग होने वाले 6 तलबाए अजीज हैं जिनका इसमें गिरामी है हाफिज मोहम्मद देहलवी जिसने अभी तिलावत की है। उसके बाद में हाफिज यमान खां, फरहान खां, रफतपुरा, मुरादाबाद।
हाफिज मोहम्मद सलमान मोहम्मद नाजीम वारसी नगर गली नंबर 3 मुरादाबाद, हाफिज मोहम्मद आरिश मोहम्मद यासीन गल शहीद मुरादाबाद, हाफिज अब्दुल रहमान मोहम्मद वसीम वारसी नगर गली नंबर 5, हाफिज मोहम्मद माद दिलशाद हुसैन पीरजादा मुरादाबाद। ये 6 बच्चे हैं जिन्होंने कुरान करीम की यहाँ से तकमील की है। अल्लाह का फजल है कि जो बड़े बच्चे यानी उम्र के एतबार से हो गए हैं वो सुनाने की तरतीब भी उनकी बन गई है। और 17 बच्चे हैं जो नाजरे से फारिग हो रहे हैं इमसाल, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हिस्से मुतालिब हैं। तो अब मैं दरख्वास्त करता हूँ जो बच्चे हिस्से फारिग हो रहे हैं पहले वो तिलावत फरमा लें फिर उस... नाजरा मुकम्मल करने वालों में नायब इमाम शहर मुरादाबाद हज़रत मुफ्ती सैयद फहद अली आज़ाद के साहबजादे सैयद मोहम्मद अली आज़ाद सल्लामहू भी शामिल हैं। हिफ्ज़ और नाजरा मुकम्मल करने वाले सभी खुश नसीब तुलबा को इस मौके पर नकद व कीमती इनामात और तहाइफ पेश करके उनकी हौसला अफजाई की गई और मुबारकबाद पेश की गई। इन बच्चों को इमाम शहर हज़रत हकीम सैयद मासूम अली आज़ाद, नायब इमाम शहर हज़रत मुफ्ती सैयद फहद अली आज़ाद, मुफ्ती सलमान साहब के साहबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद मोहम्मद अबू बकर, जामा मस्जिद के पेश इमाम हज़रत कारी मोहम्मद इब्राहिम और जमीयत उलामा शहर मुरादाबाद के सदर हाफिज़ मोहम्मद आलम कुरैशी के दस्ते मुबारक से इनामात तकसीम किए गए। आखिर में हज़रत मुफ्ती सैयद मोहम्मद सलमान मंसूरपुरी ने दुआ फरमाई और हाज़रीन ने आमीन आमीन की सदाएँ बुलंद कें। बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, उन्हें इस नेमत की कदरदानी की तौफीक अता फरमा और ता जिंदगी उसे याद रखने की तौफीक अता फरमा और उनके वालिदैन को भी अजर जज़ीर अता फरमा, असातिज़ा को भी जज़ाए खैर अता फरमा और जिन बच्चों ने नाज़रा कुरान मुकम्मल किया है उन्हें भी बकसरत तिलावत की सही तरी तिलावत की तौफीक अता फरमा, उनके भी वालिदैन को अजर जज़ील अता फरमा और असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फरमा। हमारे तमाम बच्चों बच्चियों को कुरान पाक के इल्म से वाबस्ता फरमा। हज़रत मुफ्ती साहब ने इस मौके पर फिदाए मिल्लत कैलेंडर का इजरा भी फरमाया। इस दौरान मदरसे हाजा के तुलाबा ने क़िरात कुरान करीम, दुरूद शरीफ की तिलावत, नमाज जनाजा पढ़ने का तरीक़ा, दूध पीने की दुआ और दीनी मुकालमे पेश करके अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मज़ाहरा भी किया। एक मासूम बच्चे ने कुछ इस अंदाज में दुरूद पाक का नजराना पेश किया। दो दीगर तुलाबा ने इस अंदाज में मकालमे के जरिए दीनी मालूमात पेश की। आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ बात याद रखते हैं? जी हाँ, मैं ही क्या मुसलमान का हर बच्चा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब वाकिफ है। मेरा अजीज दोस्त तो ये बताएगा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का क्या नाम है? भाई साहब, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। मेरे अजीज दोस्त को ये बताएगा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक का क्या नाम है? भाई साहब, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान कुरैश में से है। खानदान कुरैश की एक शाख बनी हाशिम की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शाख यानी बनी हाशिम से है। इस मौके पर मदरसा रौज़तुल कुरान के असातिज़ा हज़रत कारी मोहम्मद ज़ुबैर, हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शारिक, मास्टर मोहम्मद कमर, मास्टर अब्दुल सईद, दारुल उलूम ज़करिया ट्रांसपोर्ट नगर से हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल हक रसूलपुरी, जमीयत उलामा शहर मुरादाबाद के खाजिन हाजी मोहम्मद नसीम सिद्दीकी, दिल्ली से तशरीफ़ लाए हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शारिक, मौलाना अरशद देवरियावी, मौलाना
मौलाना यूनुस नदवी, अरशद अमीर ख़ान, हाजी मोहम्मद इलियास, हाजी हफीज़ ख़ान, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद जुनेद बीड़ी 788 वाले और बड़ी तादाद में मदरसे के तुलबा, उनके सरपरस्त और दीगर मुसल्लियान मस्जिद मौजूद रहे। जलसे के इख्तिताम पर नमाज इशा कदर ताखीर से अदा की गई और बादहू मेहमानों की खिदमत में पुरतकल्लुफ इशाइया भी पेश किया गया। आखिर में हजरत कारी नफीसुर रहमान मुरादाबादी ने सभी हजरात का शुक्रिया अदा किया।